अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद और मैं आपको जो आज दिखाने वाला हूँ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेमो, जो कि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। किसी भी बिजनेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लॉगिन स्क्रीन, जिसमें एक एडमिन होगा। आप मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और हर यूज़र को आप लिमिटेड राइट्स अलाट कर सकते हैं, परमिशन अलाट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको लॉगिन करते हैं। ये आ गया हमारे पास मेन मेन्यू। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टमर्स का ऑप्शन है, वेंडर्स का ऑप्शन है, ऐड न्यू आइटम, परचेज बिल, सेल्स बिल। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये 4 लेवल ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, जिसमें आप अपने सारे कैश, बैंक, कस्टमर्स, इन्वेंट्रीज, एडवांस प्री पेमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सारे अकाउंट्स आप अपने बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस का अकाउंट। अब एक्सपेंसेस में मेरे पास आ रहे हैं अदर एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस, व्हीकल एक्सपेंस, होम एक्सपेंस। अब मैंने फॉर एग्जांपल अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया इमरान सैलरी अकाउंट, इसको मैंने कर दिया सेव। ये मेरे पास एक इमरान की एंट्री सेव हो गई। अब मुझे अगर कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो मैं यहाँ ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। जनरल वाउचर में आ गया मैं यहाँ पर बता दूँगा किसको पेमेंट कर रहा हूँ। कैश इन हैंड से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने बता दिया इमरान सैलरी अकाउंट को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। कैश मेरा डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी 20,000 से इमरान को मैंने पेमेंट कर दी। सैलरी अकाउंट सेलेक्ट किया, नरेशन कॉपी कर दी, इमरान मेरा डेबिट हो जाएगा। तो ये डबल एंट्री आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसको आप वाउचर प्रिंट करेंगे तो आपका ये जनरल वाउचर प्रिंट हो जाएगा, जिसमें आप रिसीविंग ले सकते हैं, साइन करवा सकते हैं। ये आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप इसमें अपने कस्टमर्स के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू कस्टमर में आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर्स। अब यहाँ पे मैं कस्टमर ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अली यूसुफ। कॉन्टेक्ट पर्सन, एड्रेस, रीजन आप डाल देंगे अगर डालना चाहें, सब रीजन, टेलीफोन, मोबाइल, पूरा कस्टमर का आप डेटा यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये कस्टमर आपका सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अपने वेंडर्स को आप ऐड कर सकते हैं, जिनसे आप परचेजिंग करते हैं, तो उनके आप सारे अकाउंट्स बना सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंडर्स के ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं। अब हम आ जाते हैं ऐड न्यू आइटम पर। अब आप क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम परचेज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एचपी प्रिंटर। एचपी का प्रिंटर आप परचेज कर रहे हैं। परचेजिंग प्राइस अगर आप डालना चाहें यहाँ पर आप डाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस डालना चाहें आप डाल सकते हैं, सेल टैक्स फिक्स करना चाहें वो कर सकते हैं आप। इसको मैंने कर दिया सेव। ये मेरे पास आइटम ऐड हो गया। अब मैं आ जाता हूँ हमारे पास परचेज बिल में। अब मैं बता दूंगा किससे मैं परचेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं, परचेज सेल टैक्स इनवॉइस भी बना सकते हैं और नॉन टैक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं परचेज में आ गया, मैंने बता दिया मैं परचेज कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल वाई जेड इंटरप्राइजेस से मैं परचेज कर रहा हूँ। मैंने इनवॉइस नंबर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मैं क्या परचेज कर रहा हूँ, एचपी का प्रिंटर परचेज कर रहा हूँ। कितने पीस क्वांटिटी में ले रहा हूँ, मैंने बता दी कि मैं 5 क्वांटिटी ले रहा हूँ। किस रेट से ले रहा हूँ, 3,500 रुपये के हिसाब से ले रहा हूँ। 17,500 रुपये टोटल इसकी अमाउंट बन गई। अगर इन डिस्काउंट इन परसेंटेज मिल रहा है, इन अमाउंट मिल रहा है, तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा। 17,500 का बिल बन गया। अब मैं अपने वेंडर को कितनी पेमेंट दे रहा हूँ, मैंने बता दिया कि मैं उसको 10,000 एडवांस पेमेंट दे दी मैंने। 7,500 इसके लेजर में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएंगे। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, आपका ऊपर शॉप का नाम आ जाएगा या कंपनी का नाम आ जाएगा, या आपकी पूरी एक परचेज इनवॉइस क्रिएट हो गई। अब मुझे लेजर देखना है, मैं रिपोर्ट्स में आ गया, व्यू अकाउंट लेजर। अब मैं यहाँ पे वाइजर एंटरप्राइजेस का लेजर निकालता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है 17,500 रुपये क्रेडिट अमाउंट था, 10,000 हमने पे कर दिया, 7,500 हमारे पास मजीद इसको हमें पे करना है। आप लेजर को पीरियड वाइज देखना चाहें आप पीरियड वाइज देख सकते हैं, प्रिंट करना चाहें आप प्रिंट कर सकते हैं, ये आपका पूरा लेजर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है वो हर अकाउंट का लेजर देख सकते हैं। कैश का लेजर देखना है या किसी सैलरी पर्सन का लेजर देखना है, बैंक का लेजर देखना है, तमाम लेजर्स आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं सेल्स में। सेल कर रहा हूँ मैंने बता दिया अली यूसुफ मेरा कस्टमर था, इसको मैं सेल कर रहा हूँ। क्या सेल कर रहा हूँ, मैंने आइटम बता दिया एचपी का प्रिंटर सेल कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इन हैंड क्वांटिटी भी बता रहा है कि 5 पीस हमारे पास अवेलेबल है। मैंने बता दिया 2 पीस सेल कर रहा हूँ,
6,000 रुपये पर पीस के हिसाब से। 12,000 का टोटल इसका बिल बन गया। अभी मुझे पेमेंट कितनी दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये मैंने रिसीव कर लिए, 10,000 इसका जो है वो बैलेंस है। इसको मैंने प्रिंट किया तो ये आप देख सकते हैं प्रिंट इनवॉइस आ गई, ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा और एक पूरी इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। इसको आप क्लाइंट को पीडीएफ भी कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इनवॉइस पे प्रीवियस बैलेंस भी शो होगा। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट इनवॉइस बनाऊंगा तो इस पर क्लाइंट का प्रीवियस बैलेंस भी शो कर रहा होगा। अब मैं रिपोर्ट्स में आता हूँ, मुझे टोटल आज की सेल्स देखनी है। सेल रिपोर्ट्स में आ गया मैं, टोटल हमारी अब तक की सेल आ गई 12,000 रुपये की। पीरियड वाइज मुझे सेल देखनी है, मैं पीरियड वाइज सेल देख सकता हूँ। कस्टमर वाइज देखनी है, मैं कस्टमर वाइज देख सकता हूँ। सेल टैक्स देखना है या नॉन टैक्स देखना है, मैं इसको सेल टैक्स या नॉन टैक्स पर फिल्टर कर सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे परचेजिंग की तमाम रिपोर्ट देखनी है। मैं डेली परचेजिंग रिपोर्ट देख सकता हूँ, पीरियड वाइज देखनी है, वेंडर वाइज देखनी है वो भी देख सकता हूँ। आपकी पेएबल एजिंग्स इसमें आ जाएंगी, रिसीवेबल एजिंग्स आप देख सकते हैं, रिकवरी कितनी हो रही है पार्टियों से वो आप देख सकते हैं इसमें। आपके टोटल जनरल रिपोर्ट जो आप डेली बेसिस की रिपोर्ट होती है वो आपके पास आ जाएगी। टोटल आज के दिन में क्या क्या एक्टिविटी हुई है वो सारी चीज़ें इसमें आपके पास शो हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको रिसीवेबल देखने अपने कस्टमर बैलेंसेज में आ गए, आपके टोटल रिसीवेबल्स आ गए यहाँ पे कि अब तक मार्केट में हमें इन लोगों से पैसे लेने हैं। इसी तरीके से आपको पेएबल्स देखने आप वेंडर बैलेंसेज में आ गए तो ये आपके पास पेएबल रिपोर्ट आ गई। इसी तरीके से आप अपना ट्रायल बैलेंस इसमें निकाल सकते हैं। ट्रायल के बैलेंस के हमारे पास दो ऑप्शन है, 2 कॉलम्स में भी है और 6 कॉलम में भी, आप ओपनिंग क्लोजिंग के साथ भी देख सकते हैं। पीरियड वाइज ट्रायल बैलेंस देखना है वो भी आप देख सकते हैं, प्रिंट करना चाहेंगे तो वो भी आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आप अपनी बैलेंस शीट पूरी निकाल सकते हैं इसमें, जिसमें आपकी पूरी बैलेंस शीट बिजनेस की पोजिशन आ जाएगी। ये आपका एसेट्स करंट एसेट्स आ गए सारे आपके पास, नॉन करंट करंट एसेट्स आ गए, टोटल एसेट्स यहाँ पे आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपकी लाइबिलिटीज आ गई और कैपिटल्स आ गए। इसी तरीके से आपकी इनकम स्टेटमेंट बन जाती है ऑटोमेटिक, बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। तो ये हमारे पास कंप्लीट अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी बिजनेस के लिए सूटेबल है। आप अभी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको डेमो दिखाएंगे, ऑन साइट डेमो दिखाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा मजीद आप हमसे रब्ता करके सारी डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।